नमस्ते अभिवादन, आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 24750 पे वापस आ गई है। यहाँ आई थी, मैंने आपको बोला था पैसे लगाओ, वापस यहीं पर आकर के खड़ी हो गई एक हफ्ते 10 दिन बाद। अब हमको क्या करना है, जो हमने स्टॉक्स ले लिए उनके साथ क्या करना है, नई खरीदारी कब करनी है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही जो हमने आपको सजेस्ट किए थे। अगर आपने उन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया होता तो आपके साथ कैसा रवैया करती मार्केट। ठीक है, कहते हैं कि मार्केट से आप अगर 2-3% भी ज़्यादा कमा लो ना, तो आप एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन जाते हो, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। और ये बात हो रही है साल भर की, ये महीने की 6 महीने की बात नहीं हो रही है, ये हफ्ते की बात नहीं हो रही है। लेकिन हफ्ते भर में ही अगर आप 1% का जनरेट कर लेते हो डिफरेंस, तो ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। खैर, ये बहुत वोलाटाइल होता है, तो कभी मार्केट बढ़िया परफॉर्म करेगी, कभी आपका फोलियो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको देखना है तो परफॉर्मेंस ऐसे ही ट्रैक करनी होती है। ठीक, 24,749 मैं 2-3 लेवल्स पहले आपको बता रहा हूँ, बहुत उस पर फोकस करके रखिएगा। पहला लेवल जो नीचे खुल के आ रहा है 24,611, इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। 24,611 ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा इम्पॉर्टेंस नहीं रखता जितना 24,225 का रखता है लेवल, 24,225। ये दोनों लेवल्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है, या फिर 23,730 का। ये तीन लेवल हो गए, इम्पॉर्टेंस अभी रिसेंट समय में इसी की है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। क्या मार्केट यहाँ तक गिरेगी मैं कह रहा हूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सपोर्ट अवेलेबल है नीचे के लेवल पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की जो मैंने आपको बताए थे, उनकी कैसी रही परफॉर्मेंस। पावर फाइनेंस, देखिए PFC जिस दिन बाज़ार गिरी थी उसके अगले दिन ये 6% ऊपर था, फिर उसके अगले दिन 1% ऊपर था, फिर ऐसे चलते चलते एक दिन 1.23% ऊपर हुआ। नेट अगर आप देखोगे लगभग 7-8% का इतने रिटर्न दिया था, और अभी वहीं पर खड़ा है, यानी कि ये 6-7% ऊपर मिनिमम खड़ा है। अगर आपने इसको उसी दिन खरीदा होता, उसी दिन नहीं अगले दिन खरीदा होता, अपॉर्चुनिटी भी मिली थी खरीदारी की, ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमको रेट ही नहीं मिला। ठीक, REC लिमिटेड भी लगभग सेम परफॉर्मेंस दिया है, ये पहले ही दिन 5% भागा था, उसके बाद भी इसने लगभग 1.5% चला, फिर 2% चला, तो ओवरऑल इसने भी लगभग उसी के आसपास का रिटर्न दिया है। पावर कंपनियाँ, मैंने आपको स्पेशली बोला था सरकार का इस पर फोकस है, और स्पेशली इस पर मैंने हिंट भी दिया था आपको कि यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ उसमें पैसे डालो, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स और हैं जो अवेलेबल हुए हैं सही रेट पे, जो पहले नहीं गिरे थे अभी गिरे हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र डालनी चाहिए। बाकी जो भी लोग पहले से स्टॉक्स लेकर के रखे हैं वो एवरेज भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक थे जो चले तो लेकिन वापस वहीं पर आकर के गिर गए। ये स्टॉक गिरा था, मैंने आपको बोला था कि ये भी स्टॉक इस प्राइस पे लेना बनता है, और मैंने ये भी कहा था फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी लेनी बनती है। तो इसने क्या किया, लगभग 3.5% एक दिन चला, अगले दिन लगभग 3.5% चला, दो दिन में लगभग इसने 7% रिटर्न दिया, अगले दिन ऊपर खुला, मार्केट नहीं साथ दी तो ये भी ऊपर से फिसलते हुए आ गया। आज उतना नहीं गिरा, लेकिन इसने पिछले 4-5 दिनों में लगातार गिरावट ही दिखाई है, तो ये जितना चला था 7-7.5% सारा गेन ये गंवा चुका है अभी। ठीक है, कॉस्ट पे आकर के खड़ा है, तो यहाँ तो अभी नो ट्रांजैक्शन बनता है, वेट एंड वॉच। नीचे मिलेगा तो हम खरीदारी करने के लिए आपको जब भी मौका मिलेगा बताएंगे। एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, कोचिंग शिपयार्ड। देखिए OFS यहाँ पर खुला था और सरकार अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर रही है, तो OFS लाए थे ऑफर फॉर सेल, जैसे कि Hyundai लेकर के आई थी, और उनका IPO फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गया, मैं सरप्राइज्ड हूँ। उस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर कोचिंग की बात करेंगे। देखिए रिटेल इन्वेस्टर उतना इंटरेस्ट नहीं लगाया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जिन पे भरोसा करता है, यानी कि फंड मैनेजर्स, हम अपनी इंश्योरेंस कंपनियों को पैसे देते हैं ना, कि कुछ लोग ले लेते हैं एंडाउमेंट प्लान वगैरह, वो लोग पता है ऐसी जगहों पे पैसे लगाते हैं, इसीलिए हमको जब रिटर्न के नाम पे उनको देना होता है 6-7% का रिटर्न भी देने में उनकी नानी मम्मी सब याद आ जाती हैं, सब याद आ जाती हैं। वो कहते हैं नहीं सर, इससे ज़्यादा तो हम आपको दे ही नहीं सकते, इससे अच्छा हमारे पास प्लान ही नहीं है। आप सोचो, आप किसी कंपनी को 25-30 साल के लिए पैसे देते हो, और वो कंपनी आपका पैसा Hyundai जैसे IPO में लगा दे, आपको कैसा लगेगा? म्यूचुअल फंड कंपनियां भैया, आप हम भरोसा करते हैं इन म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स पे, और वो क्या कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, वो भाई बड़ा नाम है, पीछे से इधर हैं,
इधर बोल रहे हैं हम आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, हमारे पास 500 करोड़ है मान लेते हैं, कोई एएमसी है ठीक, वो बोलती है हम 500 करोड़ आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं, 500 करोड़ उनका है क्या? नहीं भाई, 500 करोड़ हमारा है, हमारे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का है, उसको उन्होंने लगा दिया उस घटिया आईपीओ में ठीक। और इधर से उनको ये काम करने का मिल गया 5 CR, काम खत्म उनका, फिनिश। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये कहानियाँ बनती हैं। अगर आपने स्कैम 1992 देखा है तो आप समझ पाओगे इस चीज़ की इंटेंसिटी कितने बड़े लेवल पे हो सकती है। खैर वो तो स्कैम एक मूवी थी, वेब सीरीज थी, उसको आप इग्नोर करो। आप खुद सोचो कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन एकदम रद्दी लेवल पे आया हो वहाँ पर इन लोगों को क्या ज़रूरत है 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ डाल देने की। और सोचो 28,000 करोड़ रुपये Hyundai इतने महंगे वैल्यूएशन पे, मारुति जैसे हीरे स्टॉक से भी महंगे पे आकर के लेके गई और लोगों ने दे भी दिया। भला हो रिटेल इन्वेस्टर का, लेकिन क्या ही भला हो, 50% के आसपास उन्होंने भी फुल कर दिया अपना। वो सोच के देखो ये कहानियाँ बन जाती हैं। खैर सरकार ने यहाँ पर OFS दे करके गड़बड़ कर दिया इनके शेयर होल्डर्स के साथ। 2800 वाला आपको 1500 मिल रहा है, क्या आप इंटरेस्ट दिखाओगे इसमें? चला तो बहुत बढ़िया था पिछले कुछ समय में, क्या आप अभी OFS के प्राइस पे इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे? या मार्केट जिस तरीके से गिर रही है, अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है मार्केट को तो ये हो सकता है कि स्टॉक आपको और नीचे मिले तो आप वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाओगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ना मेरी अभी कोई पोजीशन है, ना इस रेट पर मैं कोई पोजीशन लेने की सोच रहा हूँ OFS प्राइस पर। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ये यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ से चल भी सकता है क्योंकि OFS की डेट हमारे सामने थी। अब क्या होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग ही इसको चलना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा आपको क्या करना। मैं यहाँ पर कोई अपना ट्रांजैक्शन तो नहीं करने वाला। और आगे बढ़ते हैं, कोचिन शिपयार्ड की बात हो गई, एक स्टॉक है रिलायंस, इस पर काफ़ी सवाल आए थे। देखो 7 तारीख की कैंडल ये है, अगले दिन 2% ये भी चला था, फिर अगले दिन सारे गेन गंवा दिया, फिर आ गया इनका रिजल्ट, मतलब वहीं स्टेबल था, रिजल्ट आया गिर गया स्टॉक, फिर नीचे से रिकवरी आई, आज भी ऊपर ही क्लोज हुआ है लगभग 4-5 रुपये। लेकिन अभी भी उम्मीदें यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के बहुत नीचे है और आगे आने वाले समय में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं रिलायंस से। तो इन केस कोई डिप मिले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं भी मिलती है तो आप यहाँ पर सही ट्रेड अगर लिए हो तो होल्ड ज़रूर करना, क्योंकि गोल्ड को होल्ड करना बनता है ठीक है। आपके ऊपर है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए लिए हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल या फॉर इटर्निटी, लेकिन होल्ड बनता है ऐसे स्टॉक्स में स्पेशली ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर मेरी अगर कोई रिकमेंडेशन है तो एक एंगल से मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है और पर्सनल पोजीशन और भी स्टॉक्स में भी है, हाँ जहाँ नहीं थी वो मैंने आपको बता दिया। कोचिन में मेरी ना भी पोजीशन है ना आगे मैं होल्ड करने वाला हूँ। PNB मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक चला भी लेकिन ढाक के 3 पात फिर से वहीं पर आकर के खड़ा है। कॉनकॉर ढाक के 3 पात जहाँ से चला वहीं आकर के रुक गया है, 7 तारीख को बताया था, अगले दिन मौका भी दिया लगभग 3%, फिर अगले दिन 0.5% ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहा, 3-3.5% ऊपर था लेकिन फिर से अपने कॉस्ट पे आ गया है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। अभी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भी नीचे मिल जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। हाँ आपको बताया था कुछ पैसे लगाने हैं, कुछ पैसे बचा करके रखने हैं। TCS देखिएगा, और IT स्टॉक्स जूम जूम कर रहे हैं और ये बूम बूम क्यों नहीं कर रहा है, आप इसको पता करो, इनके रिजल्ट को समझने की कोशिश ज़रूर करना, लेकिन अभी चार्ट जरूर एनालाइज करो क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है अगर मार्केट और गिरती है तो। बाकी भेल आज बहुत भयंकर तरीके से गिरा है, इस पर आपको नज़र बना करके रखनी है। ठीक ठाक गेन इसने भी दे दिया था ठीक, अगर मैं चाहता तो आपको ये भी स्टॉक रिकमेंड करता, आप कहोगे नहीं सर आप नहीं बता सकते थे, तो यार REC PFC तो बताया था। खैर भेल चला था लगभग 4% और इनसे बढ़िया ही परफॉर्मेंस उसने करी थी, लेकिन आज ये 6% स्टॉक नीचे गिरा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेट्स सी कि मार्केट कैसे रोल प्ले करती है और जिस तरीके से मार्केट चलेगी ये भी उसी तरफ चलने का मूड बनाएगा। ध्यान रखना है आपको इस स्टॉक पे भी। तो ये हो गई बात ओवरऑल फोलियो की, करना क्या है इस मार्केट में, डरने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल डरने की तो ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ठीक है, निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये बहुत क्रूशियल लेवल पे आकर के खड़ा हो गया है। और ग्लोबल मार्केट से ऐसे कुछ संकेत नहीं है कि हमको बहुत हिंट मिल रहा हो कि यार यहाँ से तो अब और नहीं गिरेगी। कभी क्रूड ऑयल हमको
झटके देता है, कभी अमेरिका झटके देता है, कभी इज़राइल का वॉर झटके देता है, कभी हमारी इंटरनल चीज़ें झटके दे जाती हैं। और आजकल तो रिजल्ट जिस तरीके से गंदे गंदे आ रहे हैं, मूड ख़राब हो जा रहा है रिजल्ट देख के, देखने का मन ही नहीं करता। ठीक, तो मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल्स बताए हैं तीन, उन पे आपको बहुत फोकस करना है। देखिएगा, ये लेवल 24,000 का साइकोलॉजिकल है। लोग कह रहे हैं कि मार्केट को अब यहाँ तक गिरना पड़ेगा, लेकिन लोगों की मत सुनिए। मैंने आपको लेवल बताया है, वो लेवल जब तक नहीं टूटता हम और आप मार्केट में सेफ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी तो सेफ हैं। हाँ, अगर पैसा डालना है तो इस लेवल पे नहीं डालना है जो मैंने आपको पहला लेवल बताया है। दूसरे लेवल के आसपास ही मैं अब सेकंड टॉपअप करने के लिए बोलूँगा, सेकंड स्मार्ट SIP करने के लिए बोलूँगा। तब तक अगर बाज़ार मौके नहीं देती है कोई बात नहीं, दिवाली से पहले कुछ दिवाली पिक्स आपके लिए ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँगा, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। बाकी अगर आपने फोलियो वाली वीडियो जो कि इससे पहले आई थी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इन स्टॉक्स के अलावा भी वहाँ पर कुछ और स्टॉक्स थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट किए जो नीचे चले गए हैं। रिलायंस मैंने सेलेक्ट किया जो कि नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। नेट नेट अगर आप देखोगे, जो मैंने स्टॉक्स खरीदे थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मार्केट से 2.3% ज़्यादा रिटर्न, मतलब अपना पोर्टफोलियो अभी ग्रीन में है और मार्केट वहीं के वहीं आकर के खड़ी हो गई है। मार्केट 0.33% डाउन है, जहाँ से मैंने लिया वहाँ से बता रहा है 0.33%। ठीक, ये मेरा कैलकुलेशन है और मेरा फोलियो 2.3% अप है। तो अगर आप नेट नेट इसको देखोगे तो लगभग 2.6% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। ये तुक्के की बात होती है, हमेशा मैं ऐसी परफॉर्मेंस या सॉरी हमेशा हमारे स्टॉक्स ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दो स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल गए, REC, PFC, HDFC बैंक भी बहुत बढ़िया चल गया। ठीक है, तो इसी कारण ऐसा हुआ। जनरली ऐसा नहीं होता है, सारे स्टॉक्स मार्केट की डायरेक्शन में ही चलने की कोशिश करते हैं। इस स्टॉक को शायद मैं डिस्कस नहीं किया आपके साथ, बनता था इसका डिस्कशन, क्योंकि 2% ऊपर, फिर अगले दिन 1% नीचे, फिर अगले दिन 2% ऊपर, फिर अगले दिन लगभग 1% नीचे, फिर अगले दिन 2% ऊपर, फिर अगले दिन मतलब नेट नेट कॉस्ट था, फिर अगले दिन 1% ऊपर, फिर अभी आज 1.5% गिरा। ये गजब चला है, गजब चला है, सबको अपॉर्चुनिटी दिया है इसने, HDFC बैंक ने, और ये दिग्गज है, इसमें तो आपको हैवी वेट जाना ही जाना है। जो रिलायंस ने नुकसान दिया वो HDFC बैंक ने भरपाई करी है उसकी, इसीलिए पोर्टफोलियो इतना बढ़िया चला है। खैर, जब भी मैं कोई पोर्टफोलियो देता हूँ कोशिश करता हूँ शॉर्ट टर्म में उसमें दिक्कतें ना आए, नहीं तो आप ही लोग हमको आकर के ताना मारते हो, अरे सर मार्केट तो ऊपर जा रही है, हमारा फोलियो नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर एकदम आपको लॉन्ग टर्म फोलियो ही बनाना है तो उसमें बहुत तगड़े से डाइवर्सिफिकेशन पे आपको ध्यान देना होता है, अदरवाइज निफ्टी कहीं भागेगी, आपका फोलियो कहीं भागेगा, आपका हो जाएगा मूड ख़राब। तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के वो रिसर्च करनी बनती है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। खैर, अभी मैं आपसे विदा लेने की फिराक में हूँ, तो बाद में मिलते हैं। Hyundai IPO में आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए आपको शुभकामनाएं, एक बढ़िया वाला IPO आ रहा है, उसका एनालिसिस लेकर के आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। कुछ और स्टॉक्स अगर आपकी नज़र में हैं और आप सच में यहाँ तक वीडियो देखे हो, ठीक है, तो नीचे लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, और जो भी स्टॉक अच्छा लगेगा वो मैं अपने फोलियो में भी डालने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर जाते जाते एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आज ब्रॉडर मार्केट का हाल बहुत 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 गंदा सा था। आप मूड ख़राब हो जाएगा आपका, आप कहोगे हमको मत दिखाइए सर ये सब चीज़ें, आप क्या दिखा दे रहे हो। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी सिर्फ 1% भी नहीं गिरी निफ्टी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 2.25% नीचे है। ठीक, अभी आते हैं वापस एक और इंडेक्स पे। देखो यहाँ पर, देखो ये आते हैं, अब देखो हैवल्स 8% नीचे, रिजल्ट की लंका, रिजल्ट ने इनकी लंका लगा दी, जा करके देखो रिजल्ट में मतलब क्या अच्छा है ढूंढना पड़ेगा आपको। भेल गया, लोधा, बॉस्ट, गेल, सब अच्छे से पिटाई हुई है, सबकी बहुत बढ़िया पिटाई हुई है। NHPC, TVS मोटर्स, सीमेंस, HAL, जिंदल स्टील, वेदांत, टोरेंट फार्मा, DLF, अंबुजा सीमेंट, सब गिरे भाई 3-4%, तो ऐसे लग रहा था मजाक में गिर जा रहे हैं। ठीक, बाकी और इंडेक्सेस में उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। हाँ, एक और इंडेक्स जो था वो काफ़ी तकलीफ़ झेल रहा था, वो तो छोटे स्टॉक्स के सारे इंडेक्सेस के साथ कहानी यही थी। आज बैंक निफ्टी भी लगभग 1% गिर गया, ऑटो इंडेक्स बहुत भयंकर तरीके से टूटा है, IT बढ़िया चल रहा है, मीडिया भी आज बहुत भयंकर तरीके से टूटा, रियलिटी स्टॉक्स भी बहुत, देखो 4% इंडेक्स ही डाउन है। ठीक है, आज ऊपर क्या था, अच्छा वो
इक्विटी मार्केट में सब तबाही मचती है, बॉन्ड मार्केट तो हमेशा ग्रीन में ही रहती है। ठीक है, तो बस यार फिराक में था मैं विदा लेने के, अभी विदा लेता हूँ आपसे, जल्दी मिलेंगे वीडियो में, ढेर सारी अच्छी अच्छी आईपीओ वाली वीडियो आएगी प्रोबेबली। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार।